मैं भी सनातनी हूँ, हमारे में भी भाई साहब हिंदू धर्म में गौ माता को माना जाता है, लेकिन ना तो मैं गौमूत्र पीता और ना भैया मैं गोबर खाता। गौमूत्र जो है वो पूजा में काम आता है और गोबर जो है भाई साहब वो विश्वकर्मा पूजा पे काम आता है। ना हम गोबर खाते ना हम गौमूत्र पीते, हम सिर्फ गाय का दूध पीते हैं जी। सही बात है, ठीक है। दूसरी बात यह कि कल को आप एक बात मुझे बताइए, कल को अगर मेरे माथे पर तिलक ना हो और मैं गाय को लेके जा रहा हूँ ट्रक के अंदर, और अगर चार छह लोग इकट्ठे हो जाएं और भाई साहब मैं तो उस गाय को दूध के लिए लेके जा रहा हूँ, अपने घर में पालने के लिए लेके जा रहा हूँ, चार छह लोग इकट्ठे हो जाएं भाई साहब आग लगा दे ट्रक में, तो कौन जिम्मेदार होगा जी मेरी मौत का? आप तो कह दोगे जी कल को ये गौ तस्करी कर रहा था। एक बात आप मुझे बताइए ना, मैं कहता हूँ जी आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है कर दो ना आप भाई साहब, गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दोगे ना तो भारतीय जनता पार्टी वालों को दिक्कत होगी और किसी को दिक्कत नहीं होगी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है जो इतना गौ के साथ फोटो खिंचवाते हैं भाई साहब अपने राज्य में कर दें वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित, है किसी बीजेपी नेता में दम? ये तो धोती खोल रहा है, टोटली जनता को पागल बना रहे और कुछ नहीं कर रहे। राजस्थान में भाई साहब दो लोगों की जान चली गई वहां पर, नासिर और जुनेद नाम के लोगों की, बताइए उनको गाड़ी के अंदर जला के मार दिया। लोकतंत्र नाम की देश में कोई चीज नहीं बची, अभिव्यक्ति बची नहीं है इस देश के अंदर। कोई अगर सरकार का विरोध करे खिलाफत करे तो उसके घर पे नोटिस आ जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि नेहा सिंह राठौर जो जिसने गाना गाया यूपी में काबा, फिर उसके बाद में कानपुर में जो उसने जो झोपड़ी में आग लगा दी गई वहां पर उनके लिए गाना गाया, तो भाई साहब उसके घर पे नोटिस आ गया। ये आप सोच लीजिए अभिव्यक्ति की आजादी बची नहीं है। मैं आपको बता दूं कि योगी जी जब भी डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं, और मोदी जी जब डरते हैं तो भैया सीबीआई और ईडी को आगे करते हैं। पहले इन्होंने राम के नाम पे वोट बतोरा, उसके बाद में अब ये गौ रक्षक बन के आ जाते हैं। अरे भाई मैं इतना कह रहा हूं, मैं भी हिंदू हूं, ठीक है जी, आप एक काम करो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। आप लोग धरना प्रदर्शन जो कर रहे हो, जिन लोगों की जान चली गई आप उनके घर परिवार के ऊपर सोचिए क्या बीत रही है। मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर उनके ऊपर आरोप था कि भाई वो गौ तस्करी करते हैं तो भाई साहब आप उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करते, आप उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता, कोर्ट न्यायपालिका जो उनको सजा देती चाहे वो उनको उम्र कैद देती चाहे फांसी देती, पूरा देश उसको स्वीकार करता और जो गलत है उसका विरोध बिल्कुल किया जाता है। लेकिन आप सरेआम किसी व्यक्ति को उसकी गाड़ी में आग लगा के मार दो, ये कहां का न्याय है? वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। बीजेपी के एक नेता ने बयान दिया कि मैं बीफ खाता हूँ और मेरी पार्टी को इससे कोई आपत्ति नहीं है, तो आप एक बात बताओ, उसको तो किसी ने नहीं बोला, उसको किसी का रक्षा वाले ने नहीं बोला। अरे भाई साहब जहाँ मोदी जी चुनावी प्रचार कर रहे हैं क्या वहाँ गाय नहीं खाई जा रही भाई? मेघालय में देख लीजिए आप, ठीक है जी, नागालैंड में देख लीजिए आप देख लीजिए, गोवा में देख लीजिए आप। तो भाई साहब आप एक बात मुझे बताइए, एक और तो आप कहते हो जी भाई साहब गाय 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 के नाम पे वोट ले रहे हो एक प्रदेश के अंदर, हैं, और एक एक प्रदेश में तो आप कहते हो जी गाय हमारी माता है, दूसरे में कहते हो कि गाय को खाने में मजा आता है। कि इस देश के अंदर इन लोगों ने इतना बुरा हाल कर दिया है, अगर कोई हिंदू है, ठीक है जी मैं हिंदू हूँ, मैं सरकार की खिलाफत कर रहा हूँ, मेरे को कह देंगे जी ये टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर है। कोई मुसलमान है, कोई मुसलमान भाई सब सरकार की खिलाफत कर रहा है, सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहा है, तो उसको ये कह देते जी ये आतंकवादी है, ठीक है जी जिहादी है, ये कह देते हैं सीधे तौर पर। अगर कोई सिख भाई हमारा भाई साहब सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहा है, जैसे कि किसान आंदोलन के वक्त में कर रहे थे, उनको कह दिया जी आतंकवादी है। अरे भाई साहब गुरु गोविंद सिंह जी को पढ़ो आप पढ़ के देखिए, गुरु नानक देव जी को पढ़ के देखिए, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपके धर्म के लोगों को इतना सम्मान कहता है। यूएस के अंदर एक लाइब्रेरी है भाई साहब, मैं आपको आज बताता हूँ देश के इतिहास के बारे में, यूएस के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर में भाई साहब एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के टॉप फ्लोर पर गुरु ग्रंथ साहिब को जगह मिली हुई है। अरे आपको गर्व होना चाहिए कि आपके देश की संस्कृति को कनाडा में हो अमेरिका में हो सब जगह पूजा जाता है। सिख कहाँ से है, सिखों का इतिहास कहाँ से है? सिखों का इतिहास भारतवर्ष से ही है, ठीक है जी। आज आपको गर्व होना चाहिए कि आपके मुल्क का नागरिक इतनी तरक्की कर रहा है कि वो कनाडा के ऊपर कब्जा कर रहा है, आपके मुल्क का नागरिक अमेरिका पे कब्जा कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा कर रहा है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर भारत देश के लोग नहीं रहते हैं, है? लेकिन आप ये देखिए, आप उनको यहाँ रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आप उनको यहाँ सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, तभी तो वो कनाडा बजा रहे हैं। या आप मुझे बताइए कनाडा जा रहे हैं, कनाडा में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चों के जो क्या कहते हैं कुछ पेरेंट्स हैं उनके बच्चे वहाँ पर वैज्ञानिक बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार को तो फुर्सत नहीं है जी हिंदू मुसलमान करने से। यहाँ की सरकार हिंदू मुसलमान ये राष्ट्र वो राष्ट्र फराना राष्ट्र, अरे शिक्षा पे चर्चा नहीं करते, सारे नेता अनपढ़ बैठे हैं, टोटली अनपढ़ जाहिल गवार नेता मिनिस्टर जितने सब भाजपा में है। बलात्कारी तो इनकी पार्टी में, कुलदीप सिंह सेंगर वो आप देख लो, चकला चलाने वाले तो इनकी पार्टी के अंदर, कहीं कोई घटना हो जाए नेता की मंत्री की फोटो बीजेपी वाले के साथ ही मिलेगी और किसी के साथ नहीं मिलेगी। बच्चों के 10वीं 12वीं की परीक्षा है, हैं आप उनकी परीक्षा पे कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी वो भाई साहब ना तो पंजाब के अंदर की घटना पे बोलते हैं, ना वो भाई साहब राजस्थान की घटना पे, ना हरियाणा की घटना बोलते हैं, वो तो बिल्कुल भाई साहब ये समझो चुनावी प्रचार वाला एक स्टार प्रचारक आदमी है, वो स्टार कैंपेनर आदमी है, और जैसे चुनाव इंडिया में खत्म होंगे उनका फिर से विदेशी दौरा शुरू हो जाएगा।